फिर हम एक दूसरे को छत पे देखते थे, फिर ऐसे करके हमारी मुलाकात वगैरह हुई। फिर इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला मैं हिंदू हूँ, तो मैंने बोला ठीक है मैं हिंदू बनने को तैयार हूँ। फिर ऐसे करके हमारी बात आगे बढ़ी। अगर आपको एक इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूँगी, खुश रहेंगे, वहाँ पे सनातन धर्म को कहते ना अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे। हमने कभी धर्म अपनाया नहीं कि ये कि ये हिंदू है मैं मुसलमान हूँ, हमने सोचा ही नहीं। ये भी हमारे मस्जिद में जाते थे, हम भी मंदिर में जाते थे, पर क्या धर्म, हमने अपना धर्म नहीं देखा। दूसरे को 3 साल से अच्छे से जानते थे, हमने धर्म सोचा ही नहीं कि ये मोमडन है या मैं, हमने कभी ये चीज नहीं सोची। ये जो झंडा दिख रहा है आपको राम जी का, दिख रहा है, ये हौसला बढ़ाता है मेरा, राम नाम करते हुए मैं निकलती हूँ। आपको पता है हिंदू धर्म में माँ को माई होता है, हमारे धर्म में होता है कि बहन को भी शादी करा देते हैं भाइयों से, ये चीज हमारे धर्म में होती है, हिंदू धर्म में कभी नहीं हुई। तो ये है सनातन धर्म की संस्कृति और प्यार। और किसी ने मुझे ये नहीं बोला भाई कि तू इतना हिंदू धर्म को ये कर रही है, इतना राम जी से मान, राम जी को मान रही है, तो तू कन्वर्ट हो जा या घर वापसी कर ले। नहीं, वो मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। गले में ये भगवान जी का भी आपने लॉकेट पहन रखा है। मेरे को हिंदू धर्म अच्छा लगता है। मैं कुंवारी थी ना, पहले भी मैं काली माता की पूजा करती थी, कृष्ण जी को बहुत मानती थी, इसलिए मैं हिंदू धर्म अपनाती हूँ। और ये बहुत ज्यादा जो है ट्रेंड वायरल हो रहा है कि भाई क्या है जी कजन मैरिज है, क्या हो रहा है फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। मुसलमान पुरुष जो है वो और विधवा की तरह रो रहे हैं, और चूड़ियां तोड़ रहे हैं, और मेंढक की तरह फुदक रहे हैं, और छाती कूट रहे हैं कि अब तो सारी मुसलमान महिलाएं जो है वो तो समझ चुकी हैं कि भाई हम इनको कुछ भी बोलेंगे मेरे ऊपर FIR हो जाएगा, हम जेल चले जाएंगे। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। सही, ये जो है। इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कजन मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुँह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। भाई सभी लोगों को राम राम, जय सिया राम। देखिए सबसे पहले तो मैं एक मुसलमानी, भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ, और शायदा की मैं सच्ची बोल रही हूँ कि राम जी से जो प्यार है, लगाव है, वो अभी से नहीं है, बचपन से है। मैं एक ऐसी जगह पर पली बड़ी हूँ, पैदा हुई हूँ, वो पूरा हिंदू मेजोरिटी इलाका है, वहां का प्रभाव मुझ पर बचपन से पड़ा हुआ है। मैंने गणेश चतुर्थी मनाया है, दिवाली मनाया है, होली मनाया है, और नवरात्रि मनाया है, बहुत सारी चीजें मैंने की है अपने लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव पड़ा है मुझ पर सनातनी एरिया में रहने का। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मुझे ये प्रेरणा मिली है यात्रा करने की राम जी से। उनसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है भाई। देखिए मैं महाराष्ट्र से निकली हूँ उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर अयोध्या है, मेरे यहाँ से 1450 किलोमीटर है। और एक आश्चर्यचकित की बात बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है पूरे विश्व में कि राम जी जैसा किसी ने तपस्या किया होगा। उन्होंने 14 साल वनवास में काटा है और मैं सिर्फ 1400 किलोमीटर चल रही हूँ। आज मेरा कुछ 32 डेज है, 32 डेज है मैं घर से बाहर हूँ, राम जी की यात्रा के लिए निकली हुई हूँ। तो मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से आपको किस तरह के मैसेज, आपका परिवार है, फैमिली है, ननियाल भी होगा, ददियाल भी होगा, किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं? आपका जो गुजर है वो जा रहा मुस्लिम कम्युनिटी से भी होता होगा, हिंदू कम्युनिटी तो बहुत प्यार कर रही है, बहुत सम्मान, बहुत प्यार, मुसलमानों का क्या रिएक्शन आ रहा है जरा उसके बारे में भी ऑडियंस को बताएं। देखिए एज इट इज मुस्लिम विरोध करते हैं, आपको भी मालूम है कि कहीं ना कहीं उनको ये चीज गलत लग रही है, लेकिन सारे मुस्लिम्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कुछ कट्टरपंथी मौलाना होते हैं, कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। और देखिए राम जी की कृपा है मुझ पे, महाराष्ट्र से MP, MP से उत्तर प्रदेश, 3 स्टेट को क्रॉस करके मैं पहुंचूंगी अयोध्या, तो मुझे प्रशासन की भी मदद है। जो बीजेपी सरकार है, कहीं ना कहीं 3 स्टेट में बीजेपी की सरकार है, और उन्होंने बहुत सहायता की। क्यों? मुझे सिक्योरिटी दी जा रही है पुलिस की, पता है यही कट्टरपंथी लोगों के वजह से। कुछ ऐसे कट्टरपंथी मौलाना है जो गलत बयानबाजी करते हैं, ये गलत कर रही है, ये ऐसा कर रही है, ये फलाना है, ये गुना है, ये हराम है, ऐसे से बोलते। भाई मैं
बोलना चाहते हो कि किस हिसाब से ये हराम है, राम जी की धरती है, हम राम जी को भारत में नहीं पूजेंगे तो भाई इस्लामिक कंट्री में थोड़े जाके पूछेंगे। सनातनी है, संतों जैसा कपड़ा पहनते हैं, लोगों ने उनको बहुत हल्के में लिया था कि गेरवा कपड़ा पहनता है, संत है, पर पक्का सनातनी निकला, पक्का। उनकी एक स्पीच है मेरे ख्याल से एक हफ्ते पहले उन्होंने कही थी, जब एक स्कूल से आ रही साइकिल पर बच्ची का दो मुसलमान लड़कों ने दुपट्टा खींचा था, तो उन वो तो पैर से चल नहीं पा रहे अब, जो हालत उन मुसलमान लौंडों की हुई है, चवन्नी छापों की। तब उन्होंने एक स्पीच कही थी कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर अगर कोई भी उत्तर प्रदेश की माँ बहनों की तरफ आंखें उठाकर देखेगा या उनके साथ किसी भी तरीके की कोई हरकत जो गलत है वो करेगा, तो दूसरे ही चौराहे पर यमराज खड़ा होगा, और वो है योगी आदित्यनाथ जी। इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता है निमरा, चाहे इस्लाम मेरा और आपका धर्म हो या सनातनी धर्म हो या कोई भी धर्म के मानने वाले हो, जब जब धरती पर बहुत ज्यादा गंदगी, अश्लीलता, चोरी, बेईमानी जब फैलती है, तो मेरे धर्म के हिसाब से कोई पैगंबर आते हैं, सनातनी धर्म के हिसाब से कोई संत साधु आते हैं और उस वो सारी गंदगियों को, वो सारी अश्लीलताओं को वो साफ करते हैं। तो उसी तरीके से भारत में उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर एक संत साधु ने एक अवतार बनकर के आया है जिसका नाम योगी आदित्यनाथ जी है, और वो सारी अश्लीलताओं को खत्म कर रहे हैं, सारे ठरक जेबों को जेल की सलाखों में पहुंचा रहे हैं, सारे ठरके आजम को जेल की सलाखों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है। मैं 2019 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन की कंपेनिंग में गई थी, और जितनी कंपेनिंग मैंने लोकसभा इलेक्शन में की थी उत्तर प्रदेश में, मैंने सब मुस्लिम इलाकों में किया था, और मुस्लिम इलाकों में माँ बहनों ने मुझे जो स्वागत किया था और जिस हिसाब से उन्होंने मुझे रखा था, मैं उसको लफ्जों में मैं बयान नहीं कर सकती। मैं उनके यहाँ ही नमाज पढ़ती थी, मैं क्योंकि मैं 5 वक्त नमाजी हूँ, जिसका रीजन है कि मैं लाली पाउडर या नेल पेंट वगैरह मैं यूज नहीं करती हूँ, तो उनके यहाँ ही नमाज पढ़ती थी, उनके यहाँ ही खाना खाती थी, और बहुत इज्जत से वो लोग मुझे रखते थे, और वो महिलाएं हिजाब में, बुरके में, चदरे में, वो मुझे कहती थी कि मैं हम लोग तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आ जाए। बस क्योंकि एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और मुख्यमंत्री और उनके पिता खड़े होकर के मंच पर कहते थे कि अरे बलात्कार हो जाता है, मनचले लोग हैं, लड़कियां टाइट जीन्स पहन करके निकलती हैं तो बलात्कार हो जाता है, अब खाल मिठाई का डब्बा खुला रहेगा तो किसी का मन आ ही जाएगा उठा करके खाने का, ऐसी टिप्पणियां उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने से पहले बलात्कार पर महिलाओं के अगेंस्ट में, महिलाओं के खिलाफ में होता था। एक ऐसा उत्तर प्रदेश बन चुका था जहां पर कब्रिस्तान के लिए मिलियन मिलियन रुपया फंड करवाया जाता था, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा एमपी और वहां के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फंड पास करवाते थे कब्रिस्तान को मार्बल टाइल्स बनाने के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए नर्सिंग सेंटर नहीं बनता था, उनके कारोबार के लिए कुछ योजनाएं नहीं निकलती थी, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोई काम नहीं होता था, धड़ल्ले से बलात्कार होता था, धड़ल्ले से इफ्टेजिंग होती थी, धड़ल्ले से लफजहाद होता था, धड़ल्ले से तलाक होता था, धड़ल्ले से पॉकेटमारी, छिनतई, आतंकवादी एक्टिविटीज होती थी, और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई ये कह सकता है कि भाई इस शहनवाज ने या इस इमरान ने मेरी बेटी का बलात्कार किया, ये हिम्मत नहीं होती थी। और आज उत्तर प्रदेश की धरती पर अगर एक लड़की का दुपट्टा खींचा जाता है तो सही में दूसरे चौराहे पर यमराज खड़ा रहता है, और जो कुटाई उसकी होती है, जो कुटाई उसकी होती है कि थाने के अंदर तो वो जाता है दो पैरों से, पर बाहर निकलता है मेंढक की तरह रेंगते हुए, ये कुटाई होती। तो मैं ऐसे योगी जी को मैं नमस्कार करती हूं भाई, कि
कि एक संत बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे धर्म की बेटियों के लिए एक ऐलानिया बोलता है कि तुम छेड़ोगे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, इस वक्त कई मुस्लिम लड़कियां अपने धर्म से प्रताड़ित हो चुकी है। वो अपने धर्म को त्याग कर सनातन धर्म की शरण ले रही है। पिछले कुछ समय से ये खबर आए दिन सामने आती रहती है कि कई ऐसी मुस्लिम लड़कियां सामने निकल कर आई है जिन्होंने अपने धर्म को त्याग कर अपनी स्वेच्छा से सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है, और ऐसी लड़कियों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। इसलिए मुस्लिम लड़कियां अब खुद ही बुरखा छोड़कर साड़ी और सिंदूर धारण कर रही है। कई मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी करके इस्लाम धर्म को त्याग दिया और फिर सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया, और वहीं कई लड़कियों ने इस्लाम की कुप्रथाओं से तंग आकर सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। उन लड़कियों का ज्यादातर यह कहना होता है कि इस्लाम में जिस प्रकार की कुप्रथाओं का हमें सामना करना पड़ता है, ऐसी किसी भी कुप्रथा का सामना हमें सनातन धर्म में आकर नहीं करना पड़ता। जैसे कि सनातन धर्म में परिवार के ही लड़कों के साथ शादी विवाह नहीं होता, बल्कि सनातन धर्म में तो ये तो बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। सनातन धर्म में जिस प्रकार की महिलाओं को आज़ादी दी जाती है, ऐसी आज़ादी किसी भी धर्म में महिलाओं को नहीं मिलती। यहाँ तक कि सनातन धर्म में महिलाओं की पूजा तक की जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ ये मुस्लिम लड़कियाँ ही नहीं, सनातन धर्म पूरे विश्व की पसंद बनता जा रहा है। आए दिन ये खबरें सामने आती रहती है कि यूरोप, अमेरिका या फिर रशियन लोग भी सनातन धर्म को अपना रहे हैं, या तो फिर वो भारत विजिट करने आते हैं तो वो पूरी तरह से सनातन धर्म के रंग में रंग जाते हैं और बड़े बड़े मंदिरों की विजिट करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।